News Hindi के फिल्म रिव्यू के बारे में। हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं विकास कौर जी, जिन्होंने ये फिल्म देख ली है। आइए जानते हैं इनसे इस फिल्म के बारे में। तो विकास जी, पहले आप मुझे फिल्म दासदेव की स्टोरी के बारे में थोड़ा बताएं कि स्टोरी कैसी थी। स्टोरी देखो, दासदेव पर अब तक चार या पांच फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें से दासदेव एक मूक फिल्म थी, उसके बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाई, उसके बाद 2002 में संजय लीला भंसाली ने दासदेव बनाई, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्य राय और माधुरी दीक्षित थी। अब बात उसके बाद अनुराग कश्यप ने इसको मॉडर्न किया, देव डी लेकर आए, उसमें और मसाला डाला। अब इसके बाद सुधीर मिश्रा जो कि इसकी फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो लेके आए दासदेव। दासदेव को समझा ऐसे जा रहा था कि ये कोई एक प्रेम कहानी होगी, जैसे देवदास थी। इसमें है पारो है, देव है, चंद्रमुखी है, लेकिन ये एक इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। तो ये उस मामले में एक अलग कहानी है, एक अलग स्टोरी पर बेस्ड है, इसमें थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स दिखाई गई है। हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस फिल्म के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के बारे में कुछ हमें बताएं। देखो, डायरेक्शन कहीं हद तक ठीक है, लेकिन जो स्क्रीन प्ले की बात करते हैं हम, तो थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। जो कुछ सीन थे वो अच्छे से नहीं फिल्माए गए, या फिर यूं कहें कि थोड़ा बहुत डार्क है, वो अच्छी बात है, अच्छी फिल्म पसंद आएगी। तो मतलब डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता था। इस फिल्म में आपको सबसे ज्यादा किसकी एक्टिंग पसंद आई, मतलब किसने सबसे ज्यादा आपको इम्प्रेस किया किस रोल में? देखो, ऋचा चड्ढा जो पारू बनी है, उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। ऊपर से देव जो राहुल भट्ट का किरदार है, वो उम्दा लग रहा है पारू की अपेक्षा। अदिति राव हैदरी एक औसत लग रही हैं, जो कि उनका किरदार ही ऐसा था एक्चुअली। उसके बाद इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में कुछ बताएं कि इस फिल्म का म्यूजिक कैसा था। इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो एकदम थांसू है, जिसमें कोई दो राय नहीं कि इसके गाने भी अच्छे हैं, फिल्म से बांधे रखते हैं, लेकिन स्टोरी थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाती है इस बीच। इस फिल्म के बारे में कुछ और खास बातें जिससे दर्शक इसे देखना पसंद करें, क्यों देखेंगे दर्शक? अगर हमारे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं कि ये कोई लव स्टोरी है या फिर कुछ और तरह की है, तो कृपया करके इस बहम को निकाल दें कि ये लव स्टोरी है। ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स बेस्ड है, और पॉलिटिक्स भी ऐसी एकदम दोयम दर्जे की कि पॉलिटिक्स में कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। इस फिल्म में आपको क्या चीजें नहीं पसंद आई, मतलब क्या चीजें और सही हो सकती थी? इस फिल्म में अगर अच्छी चीजों की बात करें तो थोड़ा बहुत जो किरदार हैं बहुत ज्यादा फैला रखे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, एक आम दर्शक के नाते बहुत हेक्टिक हो जाएगा ये, क्योंकि इतने सारे दर्शक, इतने सारे करेक्टर हैं जो बांधे नहीं रखते, एक तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन सबका जो स्क्रीन काउंट है, जो स्क्रीन रोल है, वो एकदम बराबर है, सबको एक समय सीमा मिली है कि ये इतना है करेक्टर, इतना वो, उतने करेक्टर में अपना 100% दे रहा है, लेकिन जो कहानी अगर बांधे रखेगी तो वो कम करेक्टर होने चाहिए थे। इस फिल्म को आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? रेटिंग 2.5। तो विकास जी ने तो हमें इस फिल्म के बारे में बता दिया, अब आपको तय करना है कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। शुक्रिया।